फ्रेंड, मैं हूँ शेफ महेश राम और आज मैं लेके आया हूँ वेज दीवानी हंडी की रेसिपी। तो दोस्तों, हम रेस्टोरेंट वाले किस तरह से बनाते हैं ये रेसिपी, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो वेज दीवानी हंडी के लिए हमने जो वेजिटेबल्स लिए हुए हैं वो है बीन्स, गाजर, फूलगोभी, मटर और मकई के दाने। तो इन वेजिटेबल्स को हम बॉयल कर लेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसको हम उबालने रख दिए, तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। मैंने लिए हुए 7 से 8 कली लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया हुआ और तकरीबन 8-10 पीस मैंने काजू के लिए हुए। और 3 टमाटर लिए हुए मैंने चॉप करके रफली। और 3 हरी मिर्च। इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे और इसको हम ढक कर बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। और ये अब सॉफ्ट हो चुका है तो इसको हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मेरा वेजिटेबल्स भी अब सब बॉईल हो चुका है तो इसको हम छान लेते हैं। तो अब हम मसाले की तड़के की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून ऑयल लिए। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हींग। उसके बाद ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज, मैंने बारीक चॉप कर लिया है ऑनियन। इसको बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज मेरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने हल्दी लिया हुआ है 1/2 टीस्पून और मैंने कश्मीरी चिली पाउडर लिया हुआ है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी जिससे मसाला ना जल जाए। इसको तो ये अब मसाला पक चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन मिर्ची काजू और टमाटो का, वो अब इसमें हम ऐड कर दें। कुछ लोग प्याज को भून के पीस लेते हैं लेकिन मैंने इसको बारीक कट कर लिया था और भूनने के बाद मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, उससे अलग तरह का टेक्सचर मिलने वाला है इस ग्रेवी में।
इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप, और इसको हम ढक के पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। पाँच से सात मिनट हो चुका है और ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम नमक चेक करके देख लेंगे। तो थोड़ा सा ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। उसके साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून, बहुत कम में मात्रा में थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून, मसालों को बैलेंस करने के लिए। और इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम, मैंने अमूल क्रीम लिया हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो मैंने बॉईल कर लिया था अलग से। और अब वेजिटेबल्स के साथ में मैं और इसको थोड़े टाइम के लिए पकने दूंगा। वेजिटेबल्स के साथ मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट और पका लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर जो मैंने 150 ग्राम ले रखा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अब चाहे तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है इसमें। तो दोस्तों बिल्कुल रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। उसी से आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।